हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। गाइज, आज मैं आपको एक साथ कटने वाला प्लाजो की, स्ट्रेट प्लाजो होता जो, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी समझ आने वाला। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने फोर फोल्ड कर लिया, मेरे पास इतना ही फैब्रिक था इसकी कुर्ती कट करने के बाद, तो ये मैंने फोर फोल्ड किया है। इसकी जो हम लेंथ लेते हैं किसी के भी प्लाजो की, अगर हम किसी का प्लाजो बना रहे हैं, तो यहाँ से हम जैसे कि जितनी हमने लेंथ तैयार रखनी है, यानी कि 34 हमने लेंथ तैयार रखनी है, भी हम लेंथ तैयार करेंगे उसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि ये हमारा 39 पर निशान आ गया, 34 हमने तैयार करना था, 4 इंच हम इसमें प्लस, 5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो ये 39 हो गया, यानी कि 2.5 इंच हमने ऊपर की तरफ से लिया है और 2.5 इंच ही हमने नीचे की तरफ से लिया है। यहाँ से हमने सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है और नीचे से भी हम सीधी लाइन एक बार खींच लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने यहाँ तक ही रखना है, और 2.5 इंच पर भी मैंने ये लाइन ऐसे खींच दी है। तो ये हमारी जो लेंथ है उसका मैंने माप बताया। अब हम इसके ऊपर से चौड़ाई किस तरह लेते हैं वो बताती हूँ। जैसे कि हम एक तो इसमें पूरे में इलास्टिक डालेंगे, उसका मेजरमेंट ही मैं आपको बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इतना भी ये फोल्ड किया हुआ है उसका हाफ सेंटर देखेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि हमने ये हमारा पूरा 16 इंच है, इसका हाफ हो गया हमारा 8 इंच, तो इसके इससे हम इसकी जो चौड़ाई है वो लेंगे सेंटर के हिसाब से। अगर हमने बंद हिस्सा रखना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, बट वो फिटिंग नहीं आती जितनी कि हम सेंटर से निशान लगा करके लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमारी जो हिप है वो हमारी 8.5 है, यानी कि प्लस करने पूरा करने के बाद, यानी कि 34 है, उसका चौथा हिस्सा हमने किया तो 8.5 हो गई। तो 8.5 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करते हैं। किसी का भी प्लाजो अगर हमने तैयार करना है तो हम उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, फोर्थ हिस्सा करके उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा हो गया ये 11 इंच। तो 11 इंच को हम इस तरह से लेंगे, 5.5 इंच हमने इधर से लिया और 5.5 इंच हमने इधर से लिया, तो ये हमने इस तरह से ले लिया है। इसके बाद हम इसका आसन लेंगे, तो आसन हमने सेम उतना ही लेना है जितना हमने ये हिस्सा मापा है, यानी कि 11 इंच। तो 11 इंच हम यहाँ से लेंगे इसका आसन, ये हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम ये ज्यादा हैवी साइज नहीं है इसलिए हमारा इतने से फैब्रिक में बन रहा है, तो 2.5 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। 2.5 इंच ये हमने क्रोच एरिया का निशान लगाया है और इसको इस तरह से राउंड शेप दे दी है। अगर ज्यादा हैवी साइज हो तो हम 2.5 से एक्स्ट्रा 3-3.5 इंच तक ले सकते हैं, और भी ज्यादा कम हो तो हम 2 या 1.5 तक भी ले सकते हैं, बट 2 या 2.5 एकदम परफेक्ट बैठता। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ये एक्स्ट्रा कट कर देंगे। पहले मैंने एक प्लाजो की और कटिंग डाली थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि हमने 2-2 इंच के ये निशान लगा लेने हैं और उसके बाद हमने माप लेना है, बट ये मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बता रही हूँ। जितना हमारा फैब्रिक हो उसमें से हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया और उसके बाद हमने जितना भी ये हिसाब लेना होता है वो हमने इस सेंटर के निशान से ही लेना होगा। तो ये हमने जैसे कि यहाँ से मापा था, ये हमारा 8 इंच पर इसका सेंटर आ रहा था, तो यहाँ से भी हम यही मापेंगे कि 8 इंच पर हमारा सेंटर आ रहा है। तो जो इसकी मोहरी हम तैयार रखेंगे वो भी हम 8 इंच पर ही रख, इस जो सेंटर है हमारा इसी के हिसाब से लेंगे। तो इसकी मोहरी मैं 5 इंच इधर से ले रही हूँ और 5 इंच इधर से, यानी कि 10 इंच मैंने टोटल ली है। अब हम इसको जो हमने क्रोच एरिया का ये निशान लगाया था इसके साथ यहाँ से मिला देंगे, ये हमने यहाँ से निशान लगा दिया। अब इसके बाद हम ये लाइन भी एक बार सीधी कर लेंगे जो हमने ये सेंटर से निशान लिया था इसकी, और इसका सामना देखते हुए यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब जो इस तरफ वाला निशान था हम इसके साथ इसको मिला देंगे, यहाँ से हमने मिला देना है, और इसकी भी हम हल्की सी राउंड शेप दे सकते हैं अगर चाहें तो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे,
दोस्तों ये बहुत ही जल्दी हमारा रेडी होता है और बहुत ही फिनिशिंग से ये बनता है। तो यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसको भी जो हमने चौक का निशान लगाया है यहाँ से भी इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, एक तो ये कट लगा लेने हैं नीचे मोहरी के, जो हमने इस तरह से नीचे मोहरी इतनी फोल्ड करनी है उसके कट लगा दिए। ऊपर की तरफ हमने डेढ़ या एक इंच या आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितना साइज है उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, बट आप एक नॉर्मल सा तरीका रखो तो आप डेढ़ इंच कम कर सकते हो। ये हमने फ्रंट जो हमारा आसन है वहां से लेकर के और जो हमारा ये हिस्सा है बैक वाला, हमारे दो हिस्से हमने उठाने हैं। अगर आप चाहो तो इनको साइड में रख के भी कट कर सकते हो, कहीं हमारे चारों हिस्से ना कट जाएं। आगे से हमने इतनी सी छटाई कर देनी है, ये हमने इतनी सी छटाई कर दी है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया और ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। अब हम इसके आसन स्टिच कर लेंगे। पहले हमने फ्रंट हिस्से के कट कर स्टिच कर लेने हैं, उसके बाद हम बैक वाले स्टिच कर लेंगे और बाकी सारा बिल्कुल सिंपल जैसे हम सिलते हैं वैसे ही सिलेगा। इलास्टिक भी हम पूरे में इक्वल ही डालेंगे। एक बार मैं आपको ये सिलाई लगा करके दिखाती हूँ। अब हमने इसका जो इनर है वो भी कट करना है, तो हमने फोर फोल्ड इसकी भी ऐसे ही रख ली है और हमने बैक हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से बिछा लिया है क्योंकि इसकी छटाई नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। तो इसको भी हम इक्वल इसी के साथ कट कर लेते हैं। एक बार ये हमने कटिंग इसकी कर ली है और सेम ये कट भी हमने फिर से लगा देने हैं और जो आगे की जो फ्रंट हिस्से थे दो हमारे उनकी भी हमने अब छटाई कर लेनी है। जैसे हमने इसकी जो मेन फैब्रिक है इसकी की थी सेम ऐसे ही हम ऊपर के दो हिस्सों की छटाई कर लेंगे। और ये ध्यान रखना कि फ्रंट के साथ हमने फ्रंट ही ज्वाइन करना है। ये हमने दो हिस्सों की छटाई कर दी। अब हम इसको पहले आसन आसन स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं फ्रंट और बैक। अब हम इसको किस तरह करेंगे, जैसे कि ये मैंने इस तरह स्टिच किए थे जैसे रखे थे, दोनों हिस्से ये रखे और दोनों इनर के हिस्से ये रखे, इसको हमने सिल दिया है। अब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारी सिलाई गुम हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये हमने इसको इस तरह से पलटा और यहाँ से इसको भी पलट दिया है। तो यहाँ से ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया और ये इसका बैक हिस्सा हो गया, तो हमारी सिलाई एकदम से गुम हो गई और बहुत ही फिनिशिंग से ये तैयार होएगा। अब हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है पहले यहाँ पर और यहाँ पर, उसके बाद हम दोनों हिस्से, जैसे कि इसको भी एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने सेम जैसे कच्ची सिलाई करने के बाद ये सिलाई दोनों तरफ से कवर कर देनी है। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और उसके बाद मैंने ये मोहरी वाला भी टका लगा दिया है, जो कच्ची सिलाई है वो। इसके बाद मैं इस पर तुरपाई करूंगी और ये जैसे कि हमने जितनी मोहरी तैयार रखनी है उस हिसाब से उतनी ही माप करके हम ये नीचे गिदरी वाली सिलाई भी लगा देंगे। जैसे कि हमने 9 इंच इतनी तैयार में रखूंगी और यहाँ से कंप्लीट ऐसे सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद हमने इलास्टिक के लिए नेफा तैयार करना है। जैसे कि नेफा हम किस तरह से तैयार करेंगे, ये देखिए, जैसे हमारा ये फ्रंट हिस्सा है जो ये हमने छोटा कट किया था, तो इसका हमने ये नहीं सोचना कि हम इसको कम फोल्ड करें, इसको हमने बिल्कुल इक्वल ही फोल्ड करना है जितना हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। यानी कि जैसे एक बार दिखाऊं हल्का सा, मान लीजिए यहाँ तक हमारा ये पीछे वाला फोल्ड होएगा और ये इतना हमारा ये फोल्ड होएगा, बैक हिस्सा हमारा बड़ा ही रहेगा, तो हमने पूरा इक्वल फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हम कितना डालते हैं दोस्तों, मैंने कई बार बताया है फिर भी बता दूं, जितनी हमारी जो बेल्ट होती है जहां पर हम बांधेंगे
उसमें से हम 4 या 5 इंच माइनस करते हैं। जैसे कि इनकी बेल्ट वो 28 है तो उसमें से मैंने 4 इंच माइनस किया है, तो ये मैंने 24 इंच का इलास्टिक लिया है। 24 इंच का इलास्टिक ले करके इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करके नेफा तैयार कर लेंगे। साथ के साथ भी हम लगा सकते हैं और नेफा पहले तैयार करके सेफ्टी पिन की मदद से भी हम लगा सकते हैं, बट अब की बार मैं साथ के साथ लगाऊंगी और आपको कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं इसका लुक दिखाती हूँ। ये हमने नीचे से गिद्री की सिलाई लगा करके नीचे से पूरा कंप्लीट कर दिया है और ऊपर भी हमने एक बार कच्ची सिलाई लगा ली है ताकि अच्छे से हमारे ये हिले ना। और जो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था उस तक हम इसको फोल्ड करते चलेंगे और साथ में इलास्टिक लेते चलेंगे। ये मैंने इस राउंड पर इस तरह से करके सिलाई लगा ली है। जैसे कि हम इसके अंदर ऐसे इसको रखेंगे और साथ में ऐसे सिलाई लगाते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हमने पूरे राउंड पर ऐसे घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। ये हमने पूरे में इलास्टिक इस तरह से डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। जब हम ये सिलाई लगाएं तो आप रोंग साइड करके सिलाई लगाया करो, इनके उल्टी तरफ से हमने सिलाई लगाना। हमारा जो स्ट्रेट प्लाजो है वो कम्प्लीट हो गया है। ये मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे से भी हमारा एकदम से रेडी हो गया है। अब हम इसको जैसे कि इस तरह से करके देखेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग लगेगा। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी डालकर एक बार दिखाऊंगी। ये इसका फाइनल लुक है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।